आखिर स्नैक्स के पैकेट्स पर इस तरह के कलरफुल सर्कल्स क्यों बने होते हैं? और दोस्तों व्हाट्सएप पर भेजे गए इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स पर इस तरह के नंबर्स क्यों होते हैं, ये जानकर तो आप हैरान हो जाएंगे। तो इसे गलती से भी मिस मत करना। आखिर क्यों किसी भी स्पोर्ट्स में प्लेयर्स खेलते वक्त अपने हाथ में ये क्या चीज पहनते हैं और क्यों पहनते हैं, और ट्रक्स पर ऐसी आंखें क्यों बनाई जाती हैं, और तो और वॉश बेसिन में ये छेद क्यों होता है? इन सभी चीजों के पीछे छुपे राज और पर्पस आज हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को देखना एंड तक। नंबर 10, वाइल लेटर ई इज नॉट इन यूज टू रिप्रेजेंट द ग्रेड्स। आप सभी को ग्रेड्स में मिलने वाली रैंकिंग्स के बारे में पता ही होगा। अब ए ग्रेड को तो टॉपर्स अच्छे से पहचानते होंगे और डी को बैक बेंचर्स। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इस ग्रेडिंग सिस्टम में ए से लेकर डी तक के ग्रेड्स होते हैं, उसके बाद सीधा एफ आता है जिसका मतलब होता है फेल, लेकिन बीच में से ग्रेड ई कहीं नहीं होता। क्या आप जानते हैं ई को ग्रेडिंग सिस्टम से बाहर क्यों रखा गया है? असल में दोस्तों पहले के जमाने में ई ग्रेड से फेल को रिप्रेजेंट किया जाता था, तो कुछ लोग उस वक्त ई ग्रेड का मतलब एक्सीलेंट समझ लेते थे, और इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए 1930s में ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर से ई ग्रेड को हटा दिया गया था। खैर ये रीजन काफी लॉजिकल भी है। नंबर 9, व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू यूज रेड एंड ग्रीन पेन्स। दोस्तों अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको पता होगा कि स्कूल में स्टूडेंट्स को रेड और ग्रीन पेन का इस्तेमाल करना मना है, बल्कि इन पेन्स को लेकर ये अफवाह तक थी कि रेड पेन को चलाने से खून जलता है और रेड पेन डेविल इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए रेड पेन डेविल की निशानी होती है वगैरह वगैरह। आज आपको ये सब फनी लग रहा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में रेड और ग्रीन पेन इस्तेमाल करने के लिए मना क्यों किया जाता था? ये रूल ऐसे ही नहीं बनाया गया था, बल्कि इसके पीछे एक खास पर्पस होता है। असल में दोस्तों ब्लू और ब्लैक पेन को सभी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में जो हाई पोजीशन वाले लोग जैसे प्रिंसिपल और टीचर्स होते हैं उनके रिमार्क्स की पहचान करना मुश्किल होता है, इसीलिए टीचर्स प्रिंसिपल और बड़े बड़े हाई रैंक ऑफिसर्स अपनी अथॉरिटी को दिखाने के लिए ग्रीन या रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक टेक्निकल रीजन भी होता है, ग्रीन और रेड पेन की जेरोक्स निकालने पर इसका प्रिंट बहुत हल्का आता है, तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनलिटी बरकरार रहती है और किसी भी तरह के फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 8, द होल इन द वॉश बेसिन। दोस्तों आपने अपने वॉश बेसिन में इस तरह का एक एक्स्ट्रा होल जरूर देखा होगा। आपको लगता होगा कि ये शायद कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, लेकिन ये सच नहीं है। तो क्या आपको इस होल का असल पर्पस पता है? चलिए हम आपको बताते हैं। असल में दोस्तों इस एक्स्ट्रा होल के दो पर्पस होते हैं। पहला, ये होल वॉश बेसिन में पानी के ओवरफ्लो को रोकता है, यानी वॉश बेसिन में जब पानी हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इस छेद से बाहर निकल जाता है, और दूसरा ये होल एयर पास करने में भी मदद करता है ताकि किसी भी तरह के ब्लॉकेज को रोका जा सके। नंबर 7, डेकोरेटिंग एंड ड्राइंग आईज ऑन ट्रक्स। ये है एक नॉर्मल ट्रक और ये है एक ट्रॉपिकल इंडियन ट्रक, दोनों में बहुत फर्क है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंडियन ट्रक्स इतने सजे हुए क्यों होते हैं? असल में दोस्तों ट्रक्स चलाने वाले ड्राइवर्स की जिंदगी का ज्यादातर वक्त इन्हीं ट्रक्स में गुजरता है, इसीलिए वो अपने ट्रक्स को अपने घर की तरह सजाते और सवारते हैं ताकि उन्हें घर जैसी फीलिंग मिले। इसके अलावा ट्रक से ही उनकी अर्निंग होती है, इसीलिए वो अपने ट्रक्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ ट्रक ड्राइवर्स तो अपने ट्रक को अपनी सेकेंड वाइफ तक बोलते हैं। वैसे ट्रक को सजाने का एक लॉजिकल रीजन ये है कि अगर कोई इन ट्रक्स को चुरा भी लेता है तो इस तरह की सजावट और पेंट को हटाना उन चोरों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसके अलावा आपने ट्रक्स के ऊपर ये आंखें बनी हुई भी देखी होंगी। क्या आप जानते हैं इन आंखों को बनाने का क्या पर्पस होता है? असल में दोस्तों इन आंखों को बनाने से लोगों का मानना है कि ट्रक को कोई बुरी नजर नहीं लगेगी। वेल, जब ट्रक्स इतने खूबसूरत होंगे तो नजर लगने के चांसेस तो बहुत ज्यादा होंगे ही। नंबर 6, कलरफुल सर्कल्स ऑन न्यूज़पेपर एंड स्नैक्स। न्यूज़पेपर के कॉर्नर पर अक्सर आपने इस तरह के कलरफुल सर्कल्स देखे होंगे। वेल, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते हैं तो स्नैक्स तो खाते ही होंगे। स्नैक्स के रैपर पर भी इस तरह के कलरफुल सर्कल्स बने हुए होते हैं। असल में दोस्तों न्यूज़पेपर और बड़ी वेफर कंपनीज के लिए ये कलर्स बहुत मायने रखते हैं। ये तो आप भी मानेंगे कि जो चीज जितनी ज्यादा कलरफुल होती है उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तो इसी बात को ध्यान में रखकर इन कलरफुल सर्कल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे न्यूज़पेपर पर जितने भी कलर वाले सर्कल्स बने होते हैं उसका मतलब होता है कि उस पेपर में उतनी ही डिफरेंट डिफरेंट इंक्स का इस्तेमाल किया गया है, और स्नैक्स के पैकेट पर भी ये सर्कल्स बताते हैं कि रैपर पर कितने रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कलरफुल सर्कल्स पैकेट्स की क्वालिटी को मेजर करने के लिए बनाए जाते हैं। जब भी किसी पैकेट पर बने सर्कल का कलर बाकी के ऑथराइज्ड कलर से नहीं मिलता है तो उसका प्रोडक्शन वहीं रोक दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल ने एक बार अपने प्लेटफॉर्म पर सर्चेस का कलर ब्लू से बदल कर पर्पल कर दिया था, जिसके बाद गूगल को $200 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। ये सब रंगों का ही खेल होता है दोस्तों। वैसे अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो दोस्तों हमारा एक एम है कि हमें जल्द ही 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा ये एम अचीव करने में हमें सपोर्ट करो। थैंक यू।